हेलो क्लास थर्ड, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। चिल्ड्रेन, कल हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे चैप्टर फर्स्ट, व्हाट एंड हाउ एनिमल्स ईट। और मैंने इसे, ये आपका टॉपिक था व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड, ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था और इसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया था। और आज का टॉपिक है हम लोगों का व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट, कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस, उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है, जैसे काउस, डियर, एलिफेंट्स एंड जिराफ आर हर्बीवोरस। यहाँ पर बता रहा है, पिक्चर में भी दिखा रहा है कि ये डियर है, एलिफेंट है, जिराफ है, तो ये सब क्या खाते हैं बेटा, ये लोग मीट नहीं खाते हैं, फ्लैश नहीं खाते हैं, ये लोग सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में क्या आता है, हमारा ग्रास आता है, लीव्स आता है, फ्रूट आता है, तो ये सब खाते हैं। तो जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। ओके, आप लोग पिक्चर भी देखिएगा, काऊ भी होती है हर्बीवोरस, हम लोग की बुफेलो होती है, गोट होती है, ये सब हर्बीवोरस होते हैं, ये सब सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हर्बीवोरस ईट ओनली प्लांट्स, हर्बीवोरस सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ओके, सम एनिमल्स ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के मीट को खाते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोरस, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। लॉयंस, टाइगर, ओस, डॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स आर कार्निवोरस, जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, ओल्फिन सिगार हो गया, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या खाते हैं, ये सब दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कार्निवोरस कहते हैं। ओके चिल्ड्रेन, जो एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स के मीट को खाते हैं, मांस को खाते हैं, उन्हें हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। तो उन्हें, ये देखिए आपका जैसे यहाँ पिक्चर बना हुआ है टाइगर, तो टाइगर क्या करता है, दूसरे एनिमल्स को मार के खाता है, वोल्फ भी खाता है, क्रोकोडाइल भी खाता है। कार्निवोरस ईट ओनली द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, कार्निवोरस दूसरे एनिमल्स को, एनिमल्स के मांस को खाता है। सम एनिमल्स ईट बार्क, प्लांट एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स के मांस को भी खाते हैं, फ्लैश को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस, उन्हें क्या कहते हैं, ओमनीवोरस, जैसे बियर, क्रोस एंड ह्यूमन बीइंग आर ओमनीवोरस। बियर हो गया, बियर क्या खाता है, बियर प्लांट्स भी खाता है, प्लांट से मिलने वाले चीज को भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है, और उसके बाद वो मीट भी खाता है, मांस को भी खाता है, तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। ह्यूमन बींग ईट फूड फ्रॉम प्लांट्स सच एज सीरियल्स, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो प्लांट से मिलने वाले जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सब भी खाते हैं। सीरियल्स मीन्स अनाजे, पल्सेस मीन्स दालें, फ्रूट्स मीन्स फलें, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, ये सब भी हम लोग खाते हैं। दे आल्सो ईट एग, फिश एंड मीट, और हम लोग मीट भी खाते हैं, एग भी खाते हैं और फिश भी खाते हैं। दीज कम फ्रॉम एनिमल्स, ये सब एनिमल से मिलता है, आता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो प्लांट्स से भी मिलने वाले चीज को खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, उन्हें कहा जाता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ओमनीवोरस प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का मांस भी खाते हैं, इसे कहते हैं ओमनीवोरस। तो आप अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, हर्बीवोरस किसे कहते हैं, हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी, हर्बीवोरस मीन्स क्या होता है, शाकाहारी, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस क्या होता है, कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोरस, कार्निवोरस मीन्स होता है मांसाहारी।
और ओमनिवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी, जो सब तरह का खाना खाते हैं, मीट भी खाते हैं, प्लांट से मिलने वाले चीज को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, इसे कहते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी। फील्ड, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एनिमल ईट, एनिमल्स कैसे खाते हैं। द माउथ एंड टीथ ऑफ एनिमल्स आर सेड टू सेट सूट द काइंड ऑफ फूड दे ईट। लेट अस सी हाउ सम एनिमल्स ईट। जो एनिमल्स जैसा खाना खाता है उसका उसी शेप में उसके पास मुंह होता है खाने के लिए और दांत होता है। लेट अस सी हाउ सम एनिमल्स ईट। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कोई एनिमल्स खाना खाता है। बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड, बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड, जो हम लोग बाइटिंग काट करके और चबा चबा के जो खाना खाते हैं एनिमल्स, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एनिमल्स सच एज काउस, जैसे एनिमल्स में काऊ, गोट ईट ग्रास एंड लीव्स। काऊ और गोट क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं। तो ये कैसे खाते हैं? दे हैव सॉफ्ट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग लीव्स एंड ग्रास। तो उनके पास क्या होता है, आगे का जो दांत होता है वो बहुत ही चौड़ा होता है, ब्रॉड मीन्स चौड़ा होता है, फ्रंट टीथ मीन्स आगे का दांत, बाइटिंग मीन्स काटने के लिए, चबाने के लिए, और कटिंग लीफ पत्तियों को काटने के लिए, घास और पत्तियों को काटने के लिए क्या होता है, उनके आगे के दांत जो होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, चुकीले होते हैं और चौड़े होते हैं। ओके, दे आल्सो हैव फ्लैट एंड स्ट्रांग टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। और उनको अंदर में भी दांत जो होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, मुंह के अंदर जो होता है वो जो घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, उनको च्यूइंग में चबाने के लिए, ग्राइंडिंग मीन्स उनको तोड़ने के लिए। वो अपना खाना कैसे खाते हैं? अपना खाना अंदर, पहले मुंह से आगे के जो चौड़ा चौड़ा दांत होता है उससे अपनी पत्तियों को काटते हैं, खाते हैं, उसके बाद उनके वो अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद उनके अंदर के भी दांत बड़े मजबूत होते हैं, जिससे वो च्यूइंग करते हैं, धीरे धीरे चबाते हैं, ग्राइंडिंग मतलब पीसते हैं अपने खाने को, वो अंदर के दांत भी उनके बड़े मजबूत होते हैं। एलिफेंट्स एंड जिराफ टू बाइट एंड च्यू देयर फूड। एलिफेंट और जिराफ जो है कैसे अपने खाने को खाते हैं, एंड एलिफेंट यूज ये लॉन्ग ट्रंक टू पुल लीव्स एंड ब्रांचेस इनटू इट्स माउथ। एलिफेंट के पास एक सूंड होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि एलिफेंट के पास सूंड होता है, तो अपने लंबे सूंड का यूज करता है, जो लंबे लंबे पेड़ की टहनियां होती हैं उनको खींच करके नीचे झुकाने में और अपना खाना बनाने में, खाना लेने में, उसको मुंह में डालने के लिए। और जिराफ के पास भी देखिए लंबा सा नेक होता है, तो ये भी क्या करता है, पेड़ों के ऊपर ऊपर पेड़ों की पत्तियों को आराम से अपने लंबे गर्दन से उठा करके खा पाता है। पुल लीव्स एंड ब्रांचेस इनटू इट्स माउथ, जिसे वो अपने बड़े लीव्स को और ब्रांच को अपने मुंह में डाल पाता है। इस जिराफ यूज इज लॉन्ग नेक टू ईट लीव्स फ्रॉम टाल ट्री। जिराफ क्या करता है, अपने लॉन्ग नेक का यूज करता है पत्तियों को, पेड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ पर से पत्तियों को खाने में। ओके, च्यूइंग द कर्ड, काऊ एंड गोट्स बाइट एंड स्वालो देयर फूड क्विकली। काऊ और गोट जो है वो क्या करते हैं, अपने खाने को जल्दी जल्दी अंदर कर लेते हैं। लेटर बाद में दे ब्रिंग द स्वालो फूड बैक टू देयर माउथ एंड च्यू इट प्रॉपरली। और बाद में वो आराम अपने खाने को वापस लाते हैं मुंह में और उसे धीरे धीरे प्रॉपरली चबा चबा कर खाते हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड, इसे कहते हैं च्यूइंग द कर्ड। ओके, आज के लिए इतना ही चिल्ड्रेन, फिर हम आपको यहाँ से कल पढ़ाएंगे, और आज हम जो पढ़ाए हैं इसी से हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे जिसे आप लर्न करेंगे। आप लोगों का विच एनिमल्स आर कॉल्ड
only plants are carnivores. Animals जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, प्लांट में क्या आता है लोगों का, ग्रास लीव्स. तो ये जो एनिमल्स खाते हैं, जैसे काउ खाती है, गोट खाती है, बफेलो खाती है, एलिफेंट खाती है, तो ये क्या हो गए, ये हर्बीवोरस हो गए. जो प्लांट को सिर्फ खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं. आंसर हम लोग का है एनिमल्स वी ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है. विच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, किस एनिमल्स को कार्निवोरस कहते हैं. तो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लेस ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस. एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है. तो ये हमारा आज का क्वेश्चन आंसर है और ये हम रिवीजन करवा रहे हैं. तो आप अपने क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा और अच्छे से याद करिएगा. और हर्बीवोरस मींस होता है शाकाहारी और कार्निवोरस मींस होता है मांसाहारी. तो इसे आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन से एनिमल हमारे हर्बीवोरस में आते हैं और हर्बीवोरस मींस क्या होता है और कार्निवोरस में हमारे कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और कार्निवोरस क्या होता है. ओके, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना ऐसे क्वेश्चन आंसर लिखिएगा और उसे लर्न करिएगा. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.